नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। और बड़ी मिसमैचिंग जीएफएमएस पोर्टल पर दोस्तों सर्वर की वजह से कई अभ्यर्थी परेशान संकुल में बैठे बैठे लगा रहे हैं चक्कर सत्यापन के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं भोपाल रविवार 10 मार्च 2024 सर्वर डाउन होने से अतिथि शिक्षक परेशान है। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर एमपी टेट पास की जानकारी नहीं हो पा रही है अपडेट। और यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी दोस्तों, बड़ा अपडेट है। समसवाद 9 मार्च शासन द्वारा अतिथि शिक्षक वर्ग एक हो, दो हो, तीन के द्वारा उत्तीर्ण की जाने वाली अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपडेट कराई जा रही, जिसमें अतिथि शिक्षकों के शिक्षण कार्य का सत्यापन किया जाना है, जो शासन द्वारा 5 मार्च से 9 मार्च तक पोर्टल पर दर्ज कराना था। लेकिन विगत 2 दिन से पोर्टल का सर्वर धीमी गति से चलने से अतिथि शिक्षकों के पासवर्ड रीसेट एसएमएस नहीं आ पा रहे, जिससे उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं निकल पा रहा है। विगत 4 दिन में मात्र 30% अतिथि शिक्षकों का सत्यापन कार्य अपडेशन हो पाया है, जिससे अतिथि शिक्षक एमपी ऑनलाइन के चक्कर लगा रहे। अतिथि शिक्षकों का पोर्टल का सर्वर बंद होने से सैकड़ों शिक्षकों का सत्यापन कार्य नहीं हो सका। इस समस्या को लेकर आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री सुदामा प्रसाद शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों के लिए अनुभव दर्ज कराने और पोर्टल पर समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है। पोर्टल पर समय सीमा बढ़ चुकी है दोस्तों, 1 सप्ताह, यानी 1 सप्ताह की जो दिनांक है वो बढ़ी है। और अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं उन अतिथि शिक्षकों के लिए फायदा होगा जिनकी पोर्टल पर जानकारी दर्ज हो नहीं पाई है। नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षक नियमित होने वाले हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और तमाम अनुभव और पोर्टल पर लेकर सुधार चल रहा है अतिथि शिक्षकों का। बाकी फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।